नमस्कार, मैं जेपी डोभाल उत्तराखंड से। आज हम लोग यहाँ पर उत्तराखंड में आपदाएं एवं उनका प्रबंधन पर एक पैनल डिस्कशन का आयोजन कर रहे हैं। इस पैनल डिस्कशन में जो मेरे साथी भाग ले रहे हैं उनमें हैं मिस्टर आरपी बडोनी, मिस्टर सुप्रिय बाउखंडी, मिस्टर प्रदीप नेगी, उसके बाद हैं पुंडरीकाक्ष जी और अंत में हैं श्री शिव प्रकाश वर्मा जी। साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है और इस राज्य में अनेकों प्रकार की मानवीकृत और प्राकृतिक आपदाएं वर्ष भर लगी रहती हैं। इन आपदाओं में से भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ का आना और जंगलों में आग लगना प्रमुख हैं। आज हमारा पैनल डिस्कशन इसी बात पर होगा कि उत्तराखंड में ये आपदाएं क्यों आती हैं, इनके कारण क्या क्या नुकसान होते हैं और हम किस प्रकार से इन आपदाओं के बारे में बच सकते हैं। तो हम अपनी आपदा को हम इन आपदाओं से बचने के लिए और इनके क्या कारण हैं, पैनल डिस्कशन का शुरुआत करते हैं मिस्टर आरपी बडोनी जी से। धन्यवाद डोवाल जी। जैसा कि आपने बताया, भूकंप एक बहुत बड़ा कारण है आपदा का और ये एक बहुत विस्तृत विषय भी है। इस पर हम इतने छोटे रूप में बातचीत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, पर फिर भी शॉर्ट में हम इतना कह सकते हैं कि जैसे कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति है वो हिमालय जोन से सटा हुआ है और ये बहुत प्रोन जोन है और जोन नंबर 5 में इसे रखा गया है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर भूकंप की आने की सबसे ज़्यादा संभावनाएँ होती है। जहाँ तक रहा भूकंप आने के कारण क्या हो सकते हैं, क्यों भूकंप आता है, तो बेसिकली जो फॉल्ट होता है, फॉल्ट के बीच में प्लेट्स जो है मोमेंट करती हैं और उससे जो है भूकंप आ जाता है। तो ये मोमेंट्स जो प्लेट्स का होता है, ये कभी जो है, वैसे बेसिकली ये मोमेंट्स तो चलता ही रहता है लेकिन कभी कभी ये मोमेंट्स बढ़ जाता है। इसकी नॉर्मल स्पीड होती है लगभग 40 से 60 मिलीमीटर प्रति बरस के हिसाब से, लेकिन कभी ये स्पीड जो है जब एपिसेंटर या जो प्रेशर प्लेट के बीच में ज़्यादा पड़ता है किसी कारण से, तो ये प्रेशर बढ़ने की वजह से जो है प्लेट में थोड़ा मोमेंट्स आ जाता है या फॉल्ट के ऊपर वो आ जाती हैं, इसकी वजह से भूकंप आने लग जाता है। ये दो तरह से आता है, कई बार जो है प्लेट्स या फॉल्ट पर जो है प्रेशर अंदर की ओर चला जाता है तो भूकंप अंदर की ओर शिफ्ट हो जाता है, और कभी ये बाहर की ओर होता है। तो जब ये बाहर की ओर होता है तो उसमें देखा गया है कि प्रेशर बाहर की ओर आने से जो है ज़्यादा मतलब आपदा आ जाती है, ज़्यादा नुकसान होता है। हमारे आसपास के एरिया में जहाँ एपी सेंटर होता है वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और वो जो तरंगे होती हैं सेस्मिक तरंगे, उनका इतना ज़्यादा प्रभाव होता है कि पूरे इलाके को ये गिरफ्त में ले लेता है। अगर ये रिक्टर स्केल पे, जिससे हम भूकंप को नापते हैं, अगर ये 3 और 4 के बीच में है तो फिर भी ये नॉर्मल होता है, पर अगर ये 7-8 के बीच में होगा तो बहुत बड़ी तबाही मचा देता है। ऐसा उत्तराखंड में एक दो बार पहले भी देखा जा चुका है और ये हम कश्मीर, अफगानिस्तान या नेपाल में जो इतना बड़ा भूकंप आया था पिछले बरस, उसका बहुत सीधा साधा उदाहरण है कि हिमालय रेंज में इस तरह के भूकंप बहुत सारे आ सकते हैं, जिसके बचाव के लिए हमें बहुत मतलब कोशिश करनी चाहिए और हमें इस तरह के प्रबंधन जुटाने चाहिए। हमारे पास IIT रुड़की इस क्षेत्र में बहुत काम भी कर रहा है और काफ़ी हद तक हमने इस तरह के सेस्मोग्राफ लगाए हुए हैं कि हम इनको देख वॉच कर पा रहे हैं कि कभी भी कुछ बड़ी आपदा आ सकती है, फिर भी हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अब मिस्टर बाउखंडी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। उत्तराखंड में जो आप देख रहे हैं, बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है और अक्सर ये देखने में आया है कि आपदा में बाढ़ों के क्या कारण हैं। दो प्रमुख कारण देखने में आ रहे हैं, एक तो जिस तरीके से हमारी जनसंख्या बढ़ी है पूरी स्टेट की, और नदियों के किनारे आप देखिए तमाम घर बार बन गए हैं, और जब नदी आती है अपना विकराल रूप लेके आती है तो जो बांध होते हैं वो सारे तोड़ के, जो पुल होते हैं उनको तोड़ के पूरे जान माल का बहुत नुकसान करती है। तो हमें इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जिस टाइम मकान बनाएं तो नदी से हम हटके बनाएं, जितने भी बनाएं, एक कारण ये। और दूसरा कारण खनन का है कि हम खनन को कहीं मॉनिटर नहीं कर पाए और जितनी मर्जी जहाँ से रेत बजरी सब निकालते जाएँ, और नदियों का एक अपना रूप होता है कि एक फिक्स समय के बाद उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उस तरीके से बहती है। तो इन दो चीज़ों को अगर हम कंट्रोल कर पाएँ, मॉनिटर कर पाएँ, तो शायद जान माल का कम नुकसान होगा। धन्यवाद बाउखंडी जी। जैसे आप जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य एक पर्वतीय राज्य है और ये 4 और 5 भूकंप जोन में आता है, जिसके कारण यहाँ पे भूखलन बड़ी मात्रा में होता है। और भूखलन आने का उत्तराखंड में कई कारण है। अनियोजित विकास हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से हुआ है,
नदियों के किनारे बस्तियां बस गई हैं और बहुत बड़े बड़े यहाँ पे डैम बनाए गए हैं और सड़कों का जाल बिछ गया है। बिना सोचे समझे वनों को काटा जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे भूस्खलन बड़ी मात्रा में हो रहा है। थोड़ी सी भी बारिश होने पे या बादल फटने की घटना होने पे बहुत तेजी से हमारे यहाँ भूस्खलन होता है उत्तराखंड में और हजारों लोग मारे जाते हैं। जैसे कि 2013 में केदारनाथ की जो घटना घटी थी वो सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें हजारों लोग मारे गए, जल मल सब धन का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो इस प्रकार की घटनाएं उत्तराखंड में ना हो, इसके लिए सरकार को, यहाँ की जनता को जन जागरूक अभियान चलाना चाहिए और लोगों को शिक्षित करना चाहिए और इसके लिए कठोर कानून भी बनाना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना ना हो। इसमें एक चीज और जोड़ सकते हैं कि हमारे यहाँ जो सड़कें बन रही हैं, उन सड़कों को बनाने के लिए भी हम डायनामाइट का यूज कर रहे हैं। तो हमारे रोड साइड्स पे जो है बहुत तरह से जो है सड़कें पहाड़ कमजोर हो गए, तो वो भी एक बड़ा कारण बनता जा रहा है। अगले चरण में पुंडरीकाक्ष शर्मा जी अपने विचार जोड़ेंगे। नेगी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। इसी तरह से मैं भी काफ़ी समय से देख भी रहा हूँ कि उत्तराखंड में एक जंगलों में आग लगना आपदा का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जंगलों में आग इतनी ज़्यादा तेजी से फैल रही है, खास तौर से गर्मी के दिनों में, और हम सभी जानते हैं उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो वन है, लगभग 65% वन उत्तराखंड में है। और होता क्या है कि उसमें भी सबसे ज़्यादा पेड़ चीड़ के हैं। चीड़ के जब आग लगती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो चीड़ से निकलने वाली पिरुल वो आग पकड़ लेती है। अब वो आग पकड़ने से क्या होता है कि उसके सहारे सहारे दूर तक जलता हुआ चला जाता है। अब जलता हुआ जाता है तो अब उसके साथ में जो आसपास मकान होते हैं, पशु होते हैं, वो भी उसके सहारे उसकी चपेट में आते हैं और जो जहाँ नुकसान थोड़ा होना होता है वहाँ एक बड़ी मात्रा में नुकसान हो जाता है। और एक चीज़ देखी होगी कि मनुष्य क्या करते हैं, या ग्रामीण इलाके ज्यादा हैं, लोग अपनी अच्छी घास पाने के लिए खुद भी एक आग लगा देते हैं। ऐसा अंधविश्वास है, ऐसा अंधविश्वास है कि उससे नई घास, नया चारा, अच्छा चारा आएगा। तो शायद मुझे लगता है कि ऐसा ना हो तो ज्यादा अच्छा हो, ये भी एक कारण है। तो मुख्य रूप से इसके लिए जन जागरण, अवेयरनेस गांव में फैलाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो है अंधविश्वास है, ये हटाया जाए, हटाया जाए कि जब बारिश आएगी, बरसात आएंगी, तो ऑटोमेटिकली अच्छी घास तो होगी होगी। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर पुंडरीकाक्ष शर्मा जी। और अब ये जितनी भी आपदाएं हम सब लोगों ने, हमारे साथियों ने चर्चा में रखी हैं, उन सब आपदाओं का बचाव कैसे हो, अंत में हमारे साथी शिव प्रकाश वर्मा जी उसके बारे में चर्चा करेंगे। शर्मा जी ने बहुत अच्छा बताया। हम ये देखते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में आ सकती हैं, उनके ऊपर हमारा बस नहीं है, लेकिन हम उनके प्रभाव को न्यूनीकरण कर सकते हैं, जिसे आपदा का न्यूनीकरण कहते हैं। इसमें जो है हम ये कर सकते हैं कि जैसे भूकंप अगर आता है तो हम अपने बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं, स्कूलों में शिक्षा दी जा सकती है कि जब भूकंप आए तो हम क्या करें। खुले में चले जाएं, सबसे पहले ये देखें कि आसपास खुला इलाका है। अगर बाय द वे वहाँ नहीं जा सकते हैं तो हम ये देखें कि घर का कोना जो दरवाजे के समीप हो, उसमें जो है चौखट हो, उसके किनारे जो है हम खड़े हो जाएं, ताकि जो है छत या लेंटर वगैरह गिरता है तो उससे नुकसान जो है ना हो, जान और माल की कम से कम क्षति हो। इस तरीके के भवन बनाए जाए जो भूकंप रोधी तकनीक पर आधारित हों, जिसके कारण जो है जब भूकंप आए तो उन इमारतों में जो है हम आराम से सुरक्षित रह सकें। इसी तरह से जब बाढ़ आती है तो नदी के किनारे जो हमारी बस्तियां हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं, उनको जो है उन पर एक अधिनियम बनना चाहिए कि नदी के किनारे जो है आवास वगैरह ना हो, ताकि जो है कम से कम जान और माल का नुकसान हो। इसी के साथ साथ अगर जब हम देखते हैं कि जो हमारे वन हैं उनमें गर्मी के मौसम में हमें अपने फायर फाइटर जो अग्निरोधी उपकरण है उनसे लैस करके वहाँ भेजने चाहिए। बच्चों और गांव वालों को भी शिक्षित करना चाहिए कि इसमें जो है जो भी हमारा वन से नुकसान हो रहा है, वन संपदा का नुकसान हो रहा है, उसको हम बचा सकते हैं। इस तरीके के हम जो तरीके अपना के आपदा का न्यूनीकरण कर सकते हैं। वर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब लोगों ने इस चर्चा में भाग लिया और आपने हम जो आपदा के विभिन्न कारण थे उन कारणों से बचाव कैसे हो सकता है, इस बारे में हम लोगों को बहुत अच्छी जानकारी दी। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस चर्चा के दौरान हम लोगों ने जो विभिन्न प्रकार की आपदाओं के बारे में समझा, उन आपदाओं के बचाव क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में समझा, तो मैं चाहता हूं कि इस जो बचाव हमारे साथियों ने आप लोगों को बचाए हैं उसको अपने घरों में इम्प्लीमेंट करें, अपने विद्यालयों में इम्प्लीमेंट करें और अपने समाज में इम्प्लीमेंट करें। धन्यवाद। और हम आप सबका और अपने चर्चा में भाग लेने वाले सभी साथियों का धन्यवाद देते हैं।
धन्यवाद। नमस्कार।